विश्व प्रतिभा महोत्सव 2024 में असम के 4 युवाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बताते चले, असम के इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अपने संबंधित खेल विषयों में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। पुरस्कार समारोह 10 फरवरी 2024 को मैरियट कोलकाता द्वारा कोलकाता फेयरफील्ड में होगा, जहां इन उत्कृष्ट एथलीटों और विश्व रिकॉर्ड धारकों को उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। असम के युवा देश भर के अनगिनत महत्वाकांक्षी एथलीटों को भी प्रेरित करते हैं। विश्व प्रतिभा महोत्सव 2024 खेल, कला और शिक्षाविदों सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभाओं को पहचानने और उनका जश्न मनाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम दुनिया भर से प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करता है, जिससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर मिलता है। चयनित युवाओं में नूर आलम सरकार, एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और विश्व रिकॉर्ड धारक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त खेल आयोजक हैं, और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2021 के लिए नामांकित किया गया था, और वह सदस्य थे भारत सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के तहत असम के NYKS 2015 से 2017 के स्वयंसेवक। दूसरे स्थान पर माफिजुद्दीन अहमद कई बार राष्ट्रीय पदक विजेता रहे। वसीम अकरम मोल्ला, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और विश्व रिकॉर्ड धारक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। अफरीद रहमान, एक राष्ट्रीय पदक विजेता और असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय के छात्र हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए असम के ये 4 लड़के समृद्ध खेल विरासत को रेखांकित करने का काम कर रहे हैं।